नर्व इम्पल्स हम कहते हैं वेव ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल चेन. तो दो चीजें आती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक और केमिकल. तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के लिए हम कहते हैं. तो नर्व इम्पल्स को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे. हम लेंगे कि नर्व इम्पल्स जब पास हो रही है न्यूरॉन से और जब वो पास नहीं हो रही होती, तो दो स्टेट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल यहां से कई दफा पेपर के अंदर पूछा गया है, हम एक स्टेट के लिए कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? जब हम नर्व इंपल्स को स्टडी करते हैं तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन चार्जेस की सेपरेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और उसकी जो सेपरेशन है उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो तरह से हम देखते हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और एक एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. ये दोनों में से क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपसे, ये आपने देखा. अब देखें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, देयर इज नो कंडक्शन. यानी कि जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही, रेस्ट में है न्यूरॉन. एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कंडक्शन होती है. एक और भी हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट इज अनस्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ न्यूरॉन. ये ऐसी स्टेट है जिसमें न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं हुआ, या हम कह सकते हैं कि वहां स्टिमुलस अराइव नहीं हुआ, इसी वजह से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही. और नर्व इंपल्स कंडक्ट क्यों होती है? क्योंकि इसमें स्टिमुलस आता है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेट इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड स्टेट. नर्व इंपल्स उस वक्त स्टिमुलेट हो जाएगी. अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट. और जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब नर्व इंपल्स पास करती है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट. ये भी आपने एक इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी चीज. अब जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चार्जेस की जो सेपरेशन है वो किस तरह से होती है? देखिए, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो मोर पॉजिटिव आउटसाइड, या हम कह सकते हैं लेस नेगेटिव आउटसाइड. मोर पॉजिटिव का मतलब होगा लेस नेगेटिव, और इनसाइड क्या होगा? इनसाइड इज मोर नेगेटिव इनसाइड और लेस पॉजिटिव इनसाइड. तो ये वाली स्टेट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इसके उलट होगा. अब उलट कैसे होगा? इसमें लेस पॉजिटिव आउटसाइड, या हम कह सकते हैं मोर नेगेटिव आउटसाइड. मैं आपको इसकी डायग्राम भी बना के दिखाता हूं, फिर उस पर हम आगे बात करेंगे. अब आउटसाइड, अब अगर इनसाइड की बात करें तो मोर पॉजिटिव इनसाइड और लेस नेगेटिव इनसाइड. अब ये चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आ सकती है, तो आपने इसको जो है वो देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है. अब नर्व इंपल्स की स्टेट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक न्यूरॉन बनाता हूं और उस न्यूरॉन में हम ये देखते हैं कि स्टेट किस तरह से, एक नर्व सेल ड्रॉ कर लेता हूं. अब उसकी एक इनसाइड और एक आउटसाइड की बात करें, दिस इज द नर्व सेल, और इधर भी मैं एक नर्व सेल ड्रॉ कर लेता हूं. ये दो स्टेट को हम कंपेयर कर लेते हैं. अब देखें, दिस इज आउटसाइड. अब आउटसाइड क्या होता है? आउटसाइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर. इसी तरह से इधर भी मैं आउटसाइड लिख सकता हूं. दिस इज इनसाइड. अब इनसाइड क्या है? इनसाइड जो होता है दैट इज लाइक इंट्रा सेलुलर, या उसका जो साइटोप्लाज्म होता है. ये देखना है कि इनसाइड और आउटसाइड में क्या फर्क होता है. अगर तो एक अनस्टिमुलेटेड स्टेट है, यानी उस वक्त जबकि यहां पर आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे नजर आए, तो इसका मतलब है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कैसे नजर आए? देखिए, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये होगा, ये वाली स्टेट. अब यहां हमें ये शो कर रहा है कि इस जगह पर नर्व इंपल्स पास कर रही. अब याद रखना है कि जो डायग्राम है वो ये वाली करेक्ट है जो मैंने बताई. आपने बाहर की तरफ टोटल नेगेटिव नहीं लिख देना, अंदर की तरफ टोटल पॉजिटिव नहीं लिख देना, बल्कि आपने एक स्मॉल पार्ट जो होगा मेम्ब्रेन का, उसको आपने दिखाना है कि यहां नर्व इंपल्स है. इसका मतलब ये है कि अगर नर्व इंपल्स पास कर रही है,
तो वो मुकम्मल तौर पे न्यूरॉन की स्टेट को चेंज नहीं करेगी, बल्कि ये कुछ मिली सेकंड्स के लिए होती है, और जैसे जैसे नर्व इंपल्स पास करती जाती है उसके पीछे फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिल्ड होता जाता है। तो ये वाली डायग्राम जो है ये करेक्ट है। समटाइम ये होता है कि डायग्राम जो है वो उसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन सी करेक्ट है। मैं यहां पर अगर देखूं कि अगर मैं ये डायग्राम बना दूं और मैं ये कह दूं कि एक न्यूरॉन है, ये जस्ट मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूं कि ऐसी ऑप्शंस भी आ सकती हैं, अगर ये वाली डायग्राम आ जाए ये, तो ये डायग्राम गलत है, क्योंकि इसमें ये शो हो रहा है कि ये प्रिजिस्ट कर रही है स्टेट, लेकिन ये स्टेट प्रिजिस्ट नहीं करती, ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है और फिर आगे पास करती जाती है, फिर से वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेंटेन होता रहता है। तो ये आपने याद रखना। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज जो है इनको मेंटेन करती है। अब देखें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब दो चार्जेस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। अब देखें सोडियम और पोटेशियम में जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड पोटेशियम जो कि बाहर कम होता है, और जो सोडियम होता है सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सोडियम। अब कितना ज्यादा है डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट जो है वो लिखा हुआ है, बहरहाल जो सोडियम होता है बाहर कितना ज्यादा है ये 10 फोल्ड्स या 10 टाइम्स बाहर की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, यानी सोडियम के साथ ही आपने बताना है कि सोडियम को सोडियम के साथ रिलेशनशिप, और पोटेशियम अंदर कितना ज्यादा है ये 20-30 टाइम्स जो होता है ये अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा होता है। एक तो ये आपने याद रखना है कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है सोडियम बाहर ज्यादा है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कौन सी कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर काम कर रही है उनको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स, और जब वर्ड पंप्स का यूज होता है इसका मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम और पोटेशियम ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करना है। अब कौन कहां पर मूव करेंगे, तो आप देख लें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है कि सोडियम बाहर ज्यादा है, इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो बाहर की तरफ आएंगे और पोटेशियम जो है वो हमारे पास अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम जो है उसको बाहर से अंदर की तरफ आना है। ये सोडियम बाहर जाएंगे पोटेशियम अंदर जाएंगे। अब सवाल ये है कि कितने सोडियम बाहर जाएंगे कितने पोटेशियम अंदर जाएंगे, तो सोडियम बाहर जाएंगे तीन सोडियम आउट एंड टू पोटेशियम इन। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पॉजिटिव बाहर की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी का सवाल आ सकता है कि सोडियम कितने किधर को जाएंगे, तो आपने बताना है 3 सोडियम व्हेन पंप्ड आउटसाइड द सेल एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम पंप्ड इनटू द सेल, यानी अंदर की तरफ जाएंगे। तो इससे पंपिंग से जो इनसाइड जो होगी दैट इज मोर पॉजिटिव एंड आउटसाइड विल बिकम मोर नेगेटिव, सॉरी मैंने उलट कह दिया, आउटसाइड बिकम मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव। ओके अच्छा ये हो, एक तो स्टेट ये हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अच्छा उसके बाद आ जाएं कि कौन से अदर फैक्टर्स जो हैं जो के कंट्रीब्यूट करते हैं चार्जेस को मेंटेन करने में इनसाइड मोर नेगेटिव रखने में। एक होता है इनसाइड नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, इनमें अमाइनो एसिड्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा कुछ आरएनएस होते हैं जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट, और ये नेगेटिवली चार्ज है जिसकी वजह से इनसाइड मोर नेगेटिव रहता है। एक तो पंप की एक्टिविटी की वजह से नेगेटिव रहता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से नेगेटिव रहता है। एक तो ये अनदर फैक्टर इज, एक और फैक्टर है वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की लीकेज होती है, लीकेज का मतलब होगा डिफ्यूजन, और अगर पोटेशियम डिफ्यूज करेंगे तो हमने देखा कि पोटेशियम अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब डिफ्यूज किधर को करेंगे, ये कुछ पोटेशियम यहां से डिफ्यूज कर जाएंगे। अब ये पोटेशियम डिफ्यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है वो 100% पोटेशियम के लिए इम्परमेबल नहीं है जिसकी वजह से पोटेशियम निकलते जाएंगे, एंड दिस इज अनदर फैक्टर जो कि अंदर की तरफ नेगेटिव बना रहा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव बना रहा है। सो देयर आर 3 फैक्टर्स नाउ, कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, सेकेंडली presence of the negatively charged protein inside the membrane jiski wajah se andar ki taraf negative ban raha hai, and another one is the leakage of potassium ion, when the leakage of potassium ion more positive moves outside so inside become more negative, so ye aapko iske andar potential jo hai wo inside negative kyun mil raha hai। ab yahan ek sawal aur ki is dauran jo membrane potential hota hai wo membrane potential kitna hota hai,
अगर हम उसके गैल्वेनोमीटर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल नोट करें तो ये होता है -70 mV और -0.07 V, एंड इन दिस स्टेट नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक अनस्टिमुलेटेड स्टेट में एक पोलराइज स्टेट को मेंटेन करते हैं। तो ये वाला जो कि हमने यहां पर पढ़ा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आपने जो है वो याद रखनी, इनमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब हम आ जाते हैं वापस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्या होता है? अब देखें, होता यह है कि जैसे ही स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस अराइव्ड, एज द स्टिमुलस अराइव्ड, ये क्या करेगा, दैट विल चेंज द परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी को चेंज करेगा, किसकी परमेबिलिटी को, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, किसके लिए, सोडियम आइंस के लिए। इसका मतलब ये होगा कि मेम्ब्रेन जो होगी दैट बिकम परमेबल फॉर द सोडियम, और जब वो परमेबल सोडियम के लिए होंगे तो ये सोडियम की डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। और अगर मैं ये देखूं कि अगर सोडियम की डिफ्यूजन होगी तो सोडियम किधर को जाएंगे, अब आप देखें सोडियम कहां ज्यादा है, हमने देखा कि सोडियम आउटसाइड ज्यादा है, इसका मतलब है कि सोडियम अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो सोडियम मूव इनसाइड, अंदर जाएंगे, और कैसे अंदर जाएंगे, मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन से अंदर जाएंगे, और कहां से गुजर के जाएंगे, पंप से नहीं गुजरेंगे, अब हम कहेंगे बाय सोडियम गेट्स, और जब भी गेट्स की बात होगी इसका मतलब है कि ये डिफ्यूजन होगी, जब भी पंप की बात होगी इसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब सोडियम अंदर जाएंगे, सोडियम पॉजिटिव है, और जब सोडियम अंदर जाएगा तो इसका मतलब है अंदर की तरफ आपको पॉजिटिव स्टेट मिलना शुरू हो जाएगी, और ये जैसे मैंने बताया कि बहुत ब्रीफ चेंज है, इसके बाद फिर से वो स्टेट मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो सोडियम के अंदर जाने से अंदर की तरफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, और इंपल्स पास करना शुरू कर देगी। जैसे मैंने कहा कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, नर्व इंपल्स पास करती, इस दौरान मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंज आएगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले कितना था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले जो था -70 था, अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी एक सवाल ये आ सकता है कि क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, या पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाएगा, या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो आपने बताना है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, और इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा +50 mV या +0.05 V। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इन दिस स्टेट जो कि नर्व इंपल्स पास कर रही है, सो इसको हम डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो नर्व इंपल्स होती है दैट इज ओनली फॉर फ्यू मिलीसेकंड्स, 2 to 3 milliseconds के लिए नर्व इंपल्स एक जगह पर रहेगी, और उसके बाद फिर से वो स्टेट रिटेन होना शुरू हो जाएगी। और इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं इसको हमने ग्राफ के जरिए देखना है। मैं यहाँ पर एक जो है वो ग्राफ बना रहा हूँ और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई दफा उसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हैं। अब होता यह है कि यहाँ पर कुछ स्टेट्स आ जाते हैं और आपको उस ग्राफ को डिस्क्राइब करना है। ये ग्राफ बनता है। अब यहां पर हियर इज अ -70 mV, यहां पर जीरो है, और यहां पर 50 mV है। अब ये वाली जो स्टेट आपको नजर आ रही है, दिस स्टेट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट हम जानते हैं। अब यहां पर जो एक छोटा सा बंक्स आया है, ये स्टिमुलस है, हियर इज अ स्टिमुलस। अब जैसे स्टिमुलस आया है तो स्टिमुलस के आने से जो स्टेट है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में चली गई, तो यहां पर हो गया है डीपोलराइजेशन। अब इस डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे स्टिमुलस आता है तो यहां पर जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और हम बात कर चुके हैं कि सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, और जिससे क्या होगा, इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके सामने यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चेंज होकर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आ गई, लेकिन ये स्टेट रिटेन नहीं करेगी, ये वापस जाएगी, और जब वापस जाएगी तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, देखिए रीपोलराइजेशन में ये होता है कि जो सोडियम गेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और पोटेशियम गेट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब जो पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो पोटेशियम किधर को जाएगा, अब हम जानते हैं कि पोटेशियम कहां पर ज्यादा है, पोटेशियम जो है वो आप जानते हैं बाहर की तरफ जो है वो ज्यादा है, और पोटेशियम की मूवमेंट जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। यहां पर मैं आपको इस डायग्राम से बता देता हूं, सॉरी, पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा है, और पोटेशियम जो है उसकी मूवमेंट क्या होगी, पोटेशियम बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। गेट्स का मतलब क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो पोटेशियम मूव्स आउट, और यहां पे क्या था, सोडियम मूव्स इन, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहां पर ये काइंडली
अपने एंड पे ये जो बोर्ड है इसको यूज मत किया करें, क्योंकि फिर इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ओके अच्छा, इसमें देखें रीपोलराइजेशन से क्या होगा। रीपोलराइजेशन से वो डायरेक्ट पोलराइज स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि एक और स्टेट इसमें आ जाएगा। इसको थोड़ा फोकस कर लें, कई बुक्स के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। दिस इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि री के बाद हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन से फिर दोबारा से पोलराइज स्टेट के अंदर जाएगा। अब हाइपर पोलराइज से पोलराइज स्टेट के अंदर जब जाता है, इसको हम रिकवरी स्टेट कहते हैं, दैट इज द रिकवरी स्टेट। अब रिकवरी स्टेट के अंदर क्या होता है, रिकवरी स्टेट में दोबारा से रिस्टोरेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप्स, फिर से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे। अब देखें तीन चार चीजें मैं बता रहा हूं आपको। लाइक नंबर वन, दिस इज द रेस्टिंग मेमोरी टेंशन, जो कि न्यूरो रेस्ट के अंदर है। नंबर टू, स्टिमुलस इज राइट, जैसे स्टिमुलस आएगा। नंबर थ्री, सोडियम गेट्स ओपन, सोडियम मूव्स इनसाइड, सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, डीपोलराइज स्टेट में चला गया। उसके बाद नंबर फोर, सोडियम गेट क्लोज एंड पोटेशियम गेट्स ओपन, पोटेशियम मूव आउट, इसका मतलब है कि वो फिर से रीपोलराइज होगा, और रीपोलराइज से होकर ये जो हाइपर पोलराइज स्टेट आ जाएगी। अब देखें यहां पोलराइज स्टेट तो ये है, अब इससे नीचे चला जाएगा, इसका मतलब है कि दैट विल मोर नेगेटिव एंड दैट कुड बी अराउंड माइनस 100 मिलीवोल्ट, ये माइनस 100 पे चला जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो पोलराइज स्टेट है वो तो होती है माइनस 70, तो उसके बाद रिकवरी होगी। तो रिकवरी में क्या होगा, रिकवरी में फिर से सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर हो जाएंगे, और जब सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर हो जाएंगे तो पोलराइज स्टेट फिर से चलना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, और इससे गुजर के एक इंपल्स पास करती है। यहां पर एक दो चीजें आपने और याद रखनी है। इसमें एक वर्ड यहां पर यूज होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखें जब नर्व इंपल्स के अंदर रिकवरी स्टेट आती है, यानी कि जो रिकवरी स्टेट होती है उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं, कि वो रीपोलराइजेशन से दोबारा से पोलराइज स्टेट के अंदर जाते हैं। तो एक तो ये आपने याद रखना है वर्ड। और इस दौरान जो इंपल्स होती है, वाल न्यूरॉन मजीद इंपल्सिस को रिसीव नहीं कर सकता, यानी कि वो इंपल्सिस के लिए सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि अभी उसने पहले पोलराइज स्टेट के अंदर जाना है। जब तक वो पोलराइज स्टेट में आएगा, मिसाल के तौर पर अब वो रीपोलराइज स्टेट में जा रहा है, तो यहां कोई स्टिमुलस आ जाता है, यहां स्टिमुलस आ गया, तो इसका मतलब है कि इस स्टिमुलस के लिए उस न्यूरॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां कोई स्टिमुलस आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। रिस्पॉन्स कब होगा, रिस्पॉन्स सिर्फ उस वक्त होगा जब वो पोलराइज स्टेट के अंदर आते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, कि ये एक ऐसा पीरियड है, ये एक ऐसी स्टेट है जबकि नर्व इंपल्स जब पास हो रही है और वो किसी दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड सिर्फ उस वक्त करेगा जबकि वो पोलराइज्ड स्टेट के अंदर होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन है, आगे चल के हमने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो भी करने हैं, और उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी एक बार फिर रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है, मसाल के तौर पर आपका ऑप्शन है। अब मैं इसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर ले आता हूं स्टेट्स को। सबसे पहले पोलराइज्ड है स्टेट, पोलराइज से क्या होगी, डीपोलराइज पे जाएगी, डीपोलराइज से रीपोलराइज पे जाएगी। अब रीपोलराइज से पोलराइज पे जाना है, अगर तो रीपोलराइज के बाद पोलराइज लिखा है तो वो भी सही है, लेकिन अगर उन्होंने हाइपर पोलराइज लिखा है तो ये सही होगा, और हाइपर पोलराइज से वापिस पोलराइज स्टेट के अंदर जाएगी। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है जिसमें नर्व इंपल्स पास कर रही होती है। और यहां एक और मैं चीज ऐड करता चलूं, एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है कि जो न्यूरॉन होते हैं वो पर सेकंड जो है वो कितनी इंपल्सिस कंडक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज 250 इंपल्सिस पर सेकंड, इस स्पीड के साथ जो है वो इंपल्सिस जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये भी इसमें एक ऐड कर लें, बाकी जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज में तो वो चीजें जो है वहां पर कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं, और वो टॉपिक जो है वो है साइनेप्स। साइनेप्स की दो फॉर्म हमने पढ़नी है यहां पर, एक हमने पढ़ना है केमिकल साइनेप्स और एक हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, क्योंकि आपके सिलेबस में बीएमएस के दोनों जो पार्ट हैं वो आपने डिस्कस करने। बहुत सी बुक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनेप्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हमने दोनों ही पढ़ने हैं यहां पर। तो जी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल साइनेप्स से। अब साइनेप्स जो होता है, केमिकल साइनेप्स, ये एक नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, ये याद रखना। दो सेल्स के दरमियान एक गैप होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ही होता।
हाँ, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी आपने कहीं पढ़ा होगा, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी प्लांट सेल्स के दरमियान साइटोप्लाज्म कनेक्शन आपको मिल सके, लेकिन यहां पर नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, और ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान साइनेप्स बनता है। और कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एक न्यूरॉन का एक्सॉन होता है और दूसरे न्यूरॉन के जो होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, और हमेशा सिग्नल केमिकल सिनेप्स में एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ जाना है, क्योंकि केमिकल सिनेप्स होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी सवाल आ सकता है, एक्सॉन टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सॉन नहीं आ सकता यहाँ पर, और इन दोनों के दरमियान में एक गैप होता है। अच्छा, यहां मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा एक डायग्राम से, और उसको आपने गौर से समझना है, सारे के सारे स्टेप्स आपने यहां पर देखने हैं, और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, अब देखें, ये मेरे पास एक्सॉन एंडिंग, और एक्सॉन एंडिंग को हम ये देखते हैं कि ये किस न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग है। न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स हैं, और डेंड्राइट्स किसके होंगे? डेंड्राइट्स होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के। ये भी एक सवाल है जो कि पूछा जा सकता है। अब ये जो एक्सॉन एंडिंग है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन जो है, इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यहां हमने देखना है कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो कि डेंड्राइट की है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस जो कि ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है यहां से लेके यहां तक का, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब, एक नोब की तरह नजर आता है, इसको साइनेप्टिक नोब कहते हैं। ये जो गैप आपको मिल रहा है केमिकल साइनेप्स का, क्योंकि इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, जस्ट ए गैप, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो गैप होता है ये तकरीबन 20 नैनोमीटर का गैप होता है। ये भी सवाल आ सकता है। अब जो साइनेप्टिक नोब होती है, इसमें आपको मिलते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स, साइनेप्टिक वेजिकल्स, और इन साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर हमें मिलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, और इन पे हमने अलहदा से बात भी करनी है। ये साइनेप्टिक वेजिकल्स कहां से बनते हैं? ये साइनेप्टिक वेजिकल्स गोल्जी अपरेटस से बनते हैं। ये भी सवाल यहां पर आ सकता है। और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, ये आपको रिसेप्टर्स मिल रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आना है, कि किस तरह से जो है वो इंपल्स पास करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर वन इज कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, ये अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर वन इज यहां से स्टार्ट होता है, एक्शन पोटेंशियल अराइव्ड एट एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट ये। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहां पर आएगा, तो यहां पर हमें मिलते हैं कैल्शियम गेट्स या कैल्शियम चैनल्स कहते हैं, और इनको हम कहते हैं, पूरा नाम लिख दूंगा, ये काइंडली माइक अपने कैमरास बंद कर लें, नईमुल शाह, अब इसके बाद मैं रिमूव कर देना आपको मीटिंग से, फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे अगर दोबारा से आपने कैमरा ओपन किया तो। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब दूसरा जो पॉइंट होना है वो ये कि जैसे ही इंपल्स आएगी यहां पर, तो जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दूसरी चेंज आए, और जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, तो तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ये कि कैल्शियम जो है वो इनसाइड मूव करेंगे, कैल्शियम साइनोप्टिक नोब के अंदर जाएंगे, और जैसे ही कैल्शियम साइनोप्टिक नोब में अंदर जाएंगी, तो ये कैल्शियम अंदर जाके सिग्नल देंगी इस साइनोप्टिक नोब को, फोर्थ पॉइंट, सिग्नल देंगी, और जैसे ही ये इसको सिग्नल देंगी, ये साइनोप्टिक जो वेजिकल है, सॉरी साइनोप्टिक वेजिकल, ये साइनोप्टिक वेजिकल जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा, और जब इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा तो फिर क्या होगा, लाइक दिस, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब देखिए, जैसे ही वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा इस गैप के अंदर। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, और ये रिलीज किस तरह से करेगा, जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और ये रिमूव करेगा एक्सोसाइटोसिस से, एक्सोसाइटोसिस। और सवाल ये आ सकता है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल है, बताएं ये कौन सी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है? तो फ्यूज ये करता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ये भी क्वेश्चन। और रिलीज कैसे करेगा अपना कंटेंट? उस क्लेफ्ट के अंदर, गैप के अंदर, ये डायरेक्ट अगले न्यूरॉन में रिलीज नहीं करना, बल्कि मैंने आपको बताया कि ये गैप है, यहां पर इसने रिलीज कर देना। और जैसे ही वो रिलीज कर देगा, फिफ्थ पॉइंट, एक्सोसाइटोसिस से, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अब वो बाइंड कर जाएंगे जाके इन रिसेप्टर्स के साथ जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर है। और इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ हमारे पास एक और गेट जो है वो एसोसिएट होता है, मैं यहां पे वो बना देता हूं, दैट इज कॉल्ड द सोडियम गेट, सोडियम गेट यहां पर एसोसिएट होता है। और जैसे ही ये बाइंड करेगा, सोडियम गेट जो होगा वो ओपन हो जाएगा, और जब सोडियम गेट ओपन होगा तो सोडियम यहां से अंदर जाएगा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब सोडियम अंदर जाएगा किसी न्यूरॉन के अंदर, तो अंदर की तरफ वो पॉजिटिव बना देगा, बाहर की तरफ वो नेगेटिव बना देगा, अगेन जब अंदर की तरफ पॉजिटिव बन जाएगी, बाहर की तरफ नेगेटिव बन जाएगी, तो फिर से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब नर्व इंपल्स यहां थी, पहले ऊपर वाले न्यूरॉन में थी, फिर देखें नीचे वाले न्यूरॉन में आ गई, लेकिन ये डायरेक्ट पास नहीं हुई, ये पास हुई है एक गैप से, और वो गैप जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और इस पूरे फिनोमेना को साइनेप्सिस कहते हैं। और जब ये गैप आता है तो हम जानते हैं कि यहाँ इस गैप के अंदर क्या होता है, इस गैप के अंदर केमिकल्स होते हैं, और जब भी केमिकल्स आते हैं तो उसको फिनोमेना को डिले करते हैं, जिस वजह से हम इसको, जो केमिकल्स की वजह से वहां पर एक साइनेप्टिक डिले आता है। और यह आ सकता है कि साइनेप्टिक डिले कितनी देर के लिए होता है, दैट इज फॉर 0.5 मिलीसेकंड्स, इतनी देर के लिए जो है वो डिले होता है, और उसके बाद फिर अगले इंपल्स आगे पास कर जाती है। लेकिन when we compare the chemical synapse and electrical synapse, electric अभी हमने पढ़ना है, तो यहाँ delay होता है chemical synapse में, लेकिन electrical synapse के अंदर delay नहीं होता, वो फौरन से message है वो pass करता है, क्योंकि आपने जैसे book के अंदर भी पढ़ा हुआ है chemical coordination और electrical जो है वो nervous coordination, तो आपने देखा कि chemical coordination delayed होती है और nervous में बहुत तेज होती है, तो यहाँ पर chemical synapse में थोड़ा सा delay आता है, क्योंकि वहां gap है, और वो delay synaptic delay होता है, that is 0.5 मिलीसेकंड। अब यहाँ बहुत से सवाल बन सकते हैं कि कहां से क्या एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पहला पॉइंट एक्शन पोटेंशियल आया, दूसरा पॉइंट कैल्शियम गेट्स चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम ने जाके सिनेप्टिक वेसिकल्स को स्टिमुलेट किया, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए, वहां एक्सोसाइटोसिस ही, एक्सोसाइटोसिस के रिजल्ट के में न्यूरोट्रांसमीटर्स और रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां से वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स थे उन पे एक्ट किया, जैसे ही उन पे एक्ट किया उसके साथ सोडियम गेट्स थे वो ओपन हो गए, सोडियम अंदर आया, और सोडियम जैसे अंदर आएगा तो हमने देखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और वो सोडियम के अंदर आने से अंदर इंपल्स जनरेट हो जाएगी उसमें न्यूरॉन के अंदर। तो दिस इज द वे के कैसे इंपल्स जो है वो पास हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से एक मिनट आपके पास, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी इसमें जो साइनेप्स है वो एक्सॉन टू डेंड्राइट ही जाएगा हमेशा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ ये हो सकता है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन से उसी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान भी एक एक्शन बनता है। एक वर्ड यहां पर मैं लिखूंगा और उसको हम कहते हैं ऑटैप्स। ये ऑटैप्स क्या होता है? दिस इज ए साइनेप्स बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेम न्यूरॉन। अच्छा, एक ही न्यूरॉन के दरमियान जो न्यूरॉन होता है उसके ही एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान भी सिनेप्स बन सकता है, उसको अटैप्स कहते हैं, एक वर्ड है। अब इसके अलावा क्या सिर्फ न्यूरॉन्स के दरमियान ही सिनेप्स बनता है या दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान भी सिनेप्स बन सकता है? तो आप जानते हैं कि दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान भी सिनेप्स बन सकता है। आपने पढ़ा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिनेप्स जो होता है वो सिर्फ न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकता है, और वो न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल और मसल सेल के दरमियान भी बन सकता है, न्यूरोमस्कुलर। सो यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा कि सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यस करेक्ट, बिटवीन ए सिंगल न्यूरॉन, यस करेक्ट, बिटवीन न्यूरॉन एंड ए मसल सेल, नर्व एंड ए मसल सेल, दिस इज अगेन करेक्ट। तो ये सारे के सारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की तरफ, और उसको आपने कंपेयर कर लेना है केमिकल सिनेप्स से। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, अब देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मैं यहां पर अगेन सिनेप्स बना रहा हूं, ये यहां पर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है
वो बहुत छोटा होता है, अबाउट 0.2 नैनोमीटर इतना सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, और वहां कितना था, 200 नैनोमीटर था। यहां पर केमिकल्स नहीं होते, बल्कि यहां पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और इसको हम कहते हैं कनेक्सिन, और ये 6 प्रोटीन होती हैं, कनेक्सिन प्रोटीन, और यहां कोई केमिकल नहीं होता, नो केमिकल इन्वॉल्व। न्यूरोट्रांसमीटर जैसा हमने देखा, यहां न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, अगर कोई केमिकल नहीं है इसका मतलब है देयर इज नो डिले, यहां डिले नहीं होता, और यहां पर जो इंपल्स होगी वो बाय डायरेक्शनल मूव करेगी, बाय डायरेक्शन यानी यहां से इधर भी आ सकती है, यहां से इधर भी जा, वहां यूनि डायरेक्शनल थी, यहां कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन नर्व इंपल्स पास कर जाएगी, और जब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जाएगी केमिकल नहीं आएगा तो डिले नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो कब बनते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बनते हैं रिफ्लेक्सेस के दौरान, या एक अनयूजुअल स्टेट के अंदर, कोई इमरजेंसी जब स्टेट आती है तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। हमने आगे चल के पढ़ा नर्व रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, हम किसी अनयूजुअल स्टेट में, या आपका हाथ किसी गर्म चीज को लगा, किसी पिन के ऊपर लगा, आपने फौरन से उसको जर्क कर लिया, वहां इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन्वॉल्व है, और अगर नॉर्मली आपने हाथ मूव करवाया वहां केमिकल सिनेप्स इन्वॉल्व है। तो नॉर्मल कंडीशन में केमिकल सिनेप्स, लेकिन स्पेसिफिक इमरजेंसी रिफ्लेक्सेस में, अनयूजुअल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आते हैं, और यहां पर जो रिस्पॉन्स होता है दैट रिस्पॉन्स इज मोर रैपिड, बहुत तेज रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपने याद रखनी है कुछ चीजें, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो ये मैंने इसको बता दिया, आपने इसका इतना ही तैयार करना है, ज्यादा आपका जो काम है वो केमिकल सिनेप्स का है, और वो आपने उसको ही फोकस करना है। जी, अब हम यहां पर बात कर लेंगे इसी से रिलेटेड, और वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ चीजें हैं और कुछ पॉइंट और हैं, और इसको हम समराइज कर रहे हैं लेक्चर को। न्यूरोट्रांसमीटर्स, वी नो दैट कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर्स। अब इसकी दो टाइप्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये भी आपने याद करनी है। एक टाइप है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और एक टाइप है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, एक्साइटेटरी में एक है एसिटाइलकोलीन, ये एक्साइटेटरी है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, ये है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी एक्साइट करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल को। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में एक है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, कई दफा बहुत से एग्जाम्स के अंदर आया। एक है ग्लाइसिन, अब ग्लाइसिन एक अमाइन एसिड भी है, स्मॉलेस्ट अमाइन एसिड, लेकिन साथ साथ वो एक इनहिबिटर भी है। इसके अलावा एक है एंडोर्फिन, ये भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्साइट करेंगे पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल को एक्साइट करेंगे। और जब ये एक्साइट करते हैं वहां पर, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एब्रिवेशन भी मैं लिख देता हूं, EPSP. What is EPSP? Excitatory post synaptic potential. Excitatory post synaptic potential. अब जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं पोटेंशियल को। और जब ये इनहिबिट करेंगे पोटेंशियल को, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है IPSP. तो IPSP stands for inhibitory पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो एक्साइटेटरी कौन से हैं और इनहिबिटरी कौन से हैं, ये दोनों के दोनों भी आपने इसमें याद रखने हैं। एक तो ये, दूसरा एसिटाइलकोलीन होते हैं, ये एक एक्साइटेटरी है, लेकिन ये बाकियों से डिफरेंट है। और ये डिफरेंट कैसे है कि ये काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, या आपकी बुक में लिखा हुआ है
आउटसाइड सीएनएस, तो आउटसाइड सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, तो कहां पर वो एक्ट करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये सारे के सारे जो है ये काम करते हैं इनसाइड सीएनएस। एक तो ये फर्क है, दूसरा फर्क यहां पर ये होता है कि ये जो मैंने नीचे लिखे हैं सेरोटोनिन से लेकर नॉरएपिनेफ्राइन तक, इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बायोजेनिक अमाइन। दोबारा से लिख देता हूं, ये सारे इनको कहते हैं बायोजेनिक अमाइन्स, क्योंकि ये अमाइन एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में बनते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं बायोजेनिक अमाइन्स। और जो एसिटाइल कोलीन होता है, अब ये बायोजेनिक अमाइन नहीं है, ये जैसे एसिटाइल कोलीन, इसके अंदर एक तो अल्कोहल होता है, दूसरा इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है, इसका मतलब ये बायोजेनिक अमाइन नहीं है। तो बायोजेनिक अमाइन कौन कौन से? सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन। अब जो सेरोटोनिन और डोपामाइन होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के अलावा हमारे मूड को भी कंट्रोल करते हैं, ये हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं, तो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ये भी आपने इसमें याद रखना है। एपिनेफ्राइन नॉर एपिनेफ्राइन ये हमने आगे चल के पढ़ना भी है, ये इमरजेंसी स्टेट के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं ताकि हम जो स्ट्रेस की कंडीशन है उसको मैनेज कर सकें, तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो डिफरेंट फॉर्म है, एंडोर्फिन जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी और साथ साथ ये एक पेन किलर भी है, यानी रिसेप्शन और पेन को डिक्रीज करता है। जब आपको पेन किलर लेते हैं तो आपको दर्द का एहसास क्यों नहीं होता? दर्द सही तो नहीं होगी, एहसास इस वजह से नहीं हो रहा कि ये क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसने जाके जो पोटेंशियल है उसको इनहिबिट कर देना, जिसकी वजह से इंपल्स ही नहीं पास करेगी। जब इंपल्स ही नहीं पास करेगी तो उससे वो जो पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। रजब अली पूछे बायोजेनिक, बायोजेनिक का मतलब ये है कि ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि अमाइन एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से बने हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइन एसिड से बने उसको हम बायोजेनिक अमाइन्स कहते हैं। सो ये हमारा साइनैप्स का टॉपिक था, इससे रिलेटेड अगर किसी कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो आप अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। देखिए हर एक टॉपिक को जो एमडी कैट का है आपने उसको बड़ी डिटेल के साथ और उसको हर तरह से कवर करना है। हो सकता है इसमें बहुत सी चीजें आपकी बुक के अंदर ना लिखी हों, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी है क्योंकि ये वो मिसिंग लिंक्स हैं जो कि आपकी बुक में है और वो आपको याद होने चाहिए। ये आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए और उन तमाम लिंक्स को जब वो कवर करे, जो तो इस तरह से तैयारी करते जाएंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे के पूरे सवाल सही करना। और आप देखें कि बायोलॉजी का पार्ट जो है वो मेजर पार्ट है आपके एमडी कैट पार्ट के अंदर, अगर आप इसको सही कर लेते हैं सारे का सारा तो मेरिट के अंदर जो है आप कहीं ऊपर चले जाते हैं।